ورسولي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم النبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود من نصارى قال فمن अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग अगली उम्मतों की लोगों की कदम ब कदम पैरवी करेंगे हत्ता कि अगर कोई वो गो के सुराख में भी घुसे होंगे तो तुम उनकी भी पैरवी करोगे। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमाइन ने पूछा क्या इसे यहूद नसारा मुराद है, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया तो और कौन, यानी इससे यहूद नसारा ही मुराद हैं। बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 7320 में जो इसको रवायत किया गया है, तो हदीस में उस फितने के बारे में बताया गया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने वही के ज़रिए से ये बात बता दी। तो सिर्फ आपका मकसद जो है सिर्फ पेशन गोई करना ही नहीं बल्कि उस फितने से आगाह करना भी है, यानी तुम उससे बचाव की तदाबीर कर लो, अपने आप को उस फितने का शिकार ना होने देना। और वो फितना क्या है, यानी यहूद नसारा की पैरवी ना करना। और पैरवी भी यानी किस तरह होगी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानदेही भी कर दी, यानी शिबरन शिबरन कहती हैं एक बालिश को, ज़राअन बिज़राअन कहती हैं यानी हाथों की उंगलियों के सिरे से लेके कोहनियों तक का फासला, यानी दो बालिश। तो इससे मुराद यानी ये कि तुम उनकी पैरवी किस तरह करोगे, यानी कदम ब कदम जो है तुम उनके पीछे चलोगे। सिर्फ ये नहीं, फिर हदीस में ये जुमला आया कि अगर उनमें से कोई जाओ गो के सुराख में घुसा होगा तो तुम उसकी भी पैरवी करोगे। तो इससे मुराद ये है कि इस तरह करना ये तो पागलों जैसी हरकत है, ये तो बेवकूफ़ों जैसी हरकत है, यानी अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे पागलों जैसी तो तुम उनकी भी पैरवी करना शुरू कर दोगे। तो ये उस खतरे से आगाह करना है कि तुम अपने बचाव की जो है तदबीर कर लो। तो हदीस में जब भी इस तरह की कोई बात आती है किसी फितने के बारे में इस तरह बताया जाता है, तो वो इसलिए बताया गया कि तुम अपने बचाव की तदबीर कर लो, अपने आप को उसका शिकार ना होने देना। तो हमने जो पैरवी किसकी करनी है, हमने तो पैरवी करनी है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि कुरान करीम में आया अतीउल्लाह वअतीउर्रसूल, इताअत करो अल्लाह उसके रसूल की। वमन युतिउर रसूल फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़ अज़ीमा, और जिसने रसूल की इताअत की उसने बड़ी कामयाबी पा ली। या ये कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, फ़त्तबिउनी पस मेरी पैरवी करो, अल्लाह पाक भी तुमसे मोहब्बत करेंगे और तुम्हारे गुनाहों को जो मुआफ़ कर देंगे। तो यहूद नसारा की पैरवी किस तरह हो रही है अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लें, यानी हमने ये देखना है कि हमने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने पीने का अंदाज़ क्या था, तो हमने जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें पैरवी करनी है। आपके पीने का अंदाज़ क्या था, अगर पीने का अंदाज़ जो यहूद नसारा जैसा हो या खाने पीने का अंदाज़ यहूद नसारा जैसा हो तो ये फिर उनकी पैरवी हो जाएगी। यही कि लिबास में हमने ये वज़ाकता में हमने देखना भी लिबास जो है कैसा होना चाहिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वज़ाकता कैसी थी, आपके बोलने का अंदाज़ क्या था, आपका अखलाक कैसे था। तो यहूद नसारा की यानी पैरवी किस तरह होती है, जब इंसान जब हराम की तरफ जाएगा तो इस्लाम ने जो हलाल हराम को जो वाज़े कर दिया है, तो अपने आप को उसका शिकार ना होने दें। इसलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात कही कि वज़ा में तुम वो नसारा तो तमद्दन में हुनूत, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माएं यहूद, यानी मुसलमान का काम क्या है कि वो दूसरों के लिए एक नमूना बन जाए, यानी मुसलमानों की आदत अतवार उनकी तहजीब व सकाफत को देख के लोग मुसलमान हो जाएं, गैर मुस्लिम जो मुसलमान हो जाएं। तो अपने ये देखना भी इस्लाम ने हमें कौन सी तहजीब व सकाफत दी है, इस्लाम ने हमें कायद इस्लाम अरकान इस्लाम तौहीद इन तमाम चीज़ों का हमें जो है वो दर्स दिया है, उसको अपनाया जाए। और वो तमाम चीज़ें जो कुरान और सुन्नत ने हमें नहीं बताई उनसे हम अपना जो है पीछा छुड़ा लें, इसी में कामयाबी है। इसलिए आया
कुरान करीम में आगे वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूह वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू, और रसूल सल्लम तुम्हें जिस बात का हुक्म करें उसको तुम इख्तियार कर लो और जिससे वो मना करें उससे तुम बाज आ जाओ। तो अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाएं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है पैरवी करने की तौफीक अता फरमाएं। वीडियो सुनने के बाद इसको आप शेयर भी करें ताकि ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाएं। ममा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।